उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली क्षेत्र के बुआवड़ा रेलवे फाटक के पास स्थित एक फर्नीचर शोरूम में आज अचानक भयंकर आग लग गई। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग के 3 यूनिटों ने घंटों की मशक्कत के बाद जब तक आग पर काबू पाया तब तक फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर बनाने का कारखाना जलकर आग हो चुका था। दरअसल मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र के बुआवड़ा रेलवे फाटक के पास का है, जहां एक फर्नीचर शोरूम और फर्नीचर बनाने के कारखाने में गुरुवार की सुबह अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सर, एक खतौली क्षेत्र में आपकी सूचना है क्या? आज सुबह 6 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि खतौली में बुआड़ा में रेलवे फाटक के पास फर्नीचर के शोरूम में आग लगी है। यहाँ से तत्काल एक यूनिट हमारे दुर्गा जी के नेतृत्व में नरेश कुमार के गाड़ी भेजी गई। सूचना फिर आ गई कि दूसरी गाड़ी की आवश्यकता है, मैं दूसरी गाड़ी लेकर नुमाइश ग्राउंड से और एक बुढ़ारा गाड़ी फायर स्टेशन से मंगाकर 3 गाड़ियों की सहायता से आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। जनहानि शून्य है, क्षति का आकलन भी नहीं हो पाया है। चूँकि आग बड़ी थी, वहाँ पर आरा मशीनों का 7 लगी हुई हैं, तो आरा मशीन का लाइसेंस है और इन लोगों के द्वारा फर्नीचर का कारखाना बना के किया जाता था। उसमें मालिक द्वारा बताया गया कि रात्रि में कहीं ना कहीं से जैसे भी हो आग लगी हो, क्योंकि अभी अज्ञात कारण ही है, बिजली भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुई है, चूँकि लकड़ी भी ज्वलनशील, आरा मशीन भी, फोम भी है, रेक्सिन भी है, कपड़े भी ये हुए हैं इस कारण, और थिनर भी था, पेंट भी था, इस कारण इतनी तेज आग फैली कि शुरू में हम लोग तो सोचे कि अन्य जनपदों की सहायता लेना पड़ेगा, लेकिन नज़दीक में पानी की व्यवस्था होने के कारण ट्यूबवेल चलवा कर अपना पंप लगवा कर तीनों गाड़ियों में बारी बारी से पानी भर के आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। वहाँ पर 7 फर्मे हैं, जो मेन फर्म है रॉयल फर्नीचर, जिनके मालिक रिजवान अहमद हैं, और आदित्य इंटरप्राइजेज, राहुल इंटरप्राइजेज, श्रीमती दिलसाद बेगम, इस्लाम इकबाल, ये 7 फर्मे हैं। आरा मशीन का लाइसेंस है और 7 द्वारा फर्नीचर का काम किया जा रहा है, कारखाना बनाकर। इस कारण थोड़ी आग बड़ी हो गई थी, लेकिन जनहानि नहीं हुई, इसलिए कुशल रहा। लगभग 4 घंटा मेहनत करना पड़ा। कितने नुकसान की आशंका हो सकती है? अब अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन नुकसान 200 लाख से ऊपर का होगा।